चलो देख, आज तुम लोग को क्या बताएंगे, डिस्काउंट वाला था, डिस्काउंट ना उधर प्रॉफिट लॉस हो गया कंप्लीट। हाँ, आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसको यार बोलते हैं छूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, छूट बोलो या तो फिर बट्टा बोल सकता है इसको। हाँ, बट्टा, और एक वर्ड याद रखना है क्या, डिस्काउंट, समझिए ये याद रखना। अब ये डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट होता क्या है एक बात समझ लो पहले। देखो मान लो क्या, ये गेंद है, क्या गेंद, कभी कभी मार के जाते हैं ना, वहाँ पर एक स्टिकर ऐसे करके लिखा रहता है, सटा हुआ रहता है ना, इस पर स्टिकर ऐसे करके सटा रहता है, इसमें क्या लिखा रहता है, एम आर पी ऐसे करके लिखा रहता है ना, और इसमें लिखा रहता है कितना, 60 रुपया दाम, बोल से लिखा रहता है ना, ये एम आर पी हो गया। एम आर पी का मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य, यहाँ पर ध्यान रखना, एम आर पी, एम आर पी है ना, एम आर पी, इसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, इसका मतलब क्या हुआ, ये मूल्य ना इस पर लिखा रहता है। देखो दिक्कत, अब हम लोग जाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कुछ छोड़िए, कुछ कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कहाँ से देगा, ये लिखा हुआ पैसा पर डिस्काउंट देगा कि इस लिखा हुआ कम करके पैसा का डिस्काउंट देगा, कहाँ से डिस्काउंट देगा, यहीं से डिस्काउंट देगा। तो यही बात को ध्यान रखना, डिस्काउंट जो देगा ना देखो कौन सा पैसा से देगा, लिखा हुआ, इसका मतलब अंकित मूल्य से डिस्काउंट देता है। कोई दिक्कत यहाँ था, जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे वहाँ पर कहाँ प्रॉफिट लॉस कहाँ से पता चलता था, क्रय मूल्य से पता चलता था, लेकिन ये छूट अंकित मूल्य पर पता चलेगा। नहीं समझ में आया, चलो एक और देखो, तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है छूट जो है ना, एक बात याद रखना है, छूट अंकित, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अरे कोई दिक्कत, चलो मान लो क्या, देखो अभी हम लोग ऐसे करके एक तो बेड बनाते, एक बेड बनाते, ऐसे करके जो बेड खरीदने लोग जाते हैं, हाँ देखो बेड खरीदने जाते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है ना, एम आर पी 1500 रुपया लिखा रहता है ना, एम आर पी इसका कितना है, 1500 रुपया जो है। अब बोलता है क्या, इसको तो हमको छूट दीजिए थोड़ा सा, तो क्या बोलता है, अच्छा ठीक है तुमको हम कितना परसेंट का डिस्काउंट दे देते हैं, 20% का छूट दे देते हैं, 20% का छूट दे देते हैं, छोड़ देंगे तुमको 20% पैसा, तो 100 में कट का छोड़ेगा, ये 20% छोड़ देगा, तो ले रहा है कट का, वो 70% ना, नहीं समझ, 80 रुपया लेगा, कितना लेगा वो, 80 रुपया लेगा। अब देखो यहाँ से ना दो तरीका से पढ़ाएंगे इसको, दोनों में जोन तो अच्छा लगता है वैसे तुम लोग को सॉल्व कर लो, समझ गया, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो कैसे करके बनाना है। ठीक, देखो बताना है कि यहाँ पर कट का वो लेगा, कट का 80 रुपया लेगा, या तो फिर बोलेगा कट का छूट हुआ, कट का 20% छूट हो गया। हाँ, तो अब क्वेश्चन पूछता है क्या, मतलब कितना छोड़ा उसने पैसा, 20% छोड़ा, तो इतना का 20% निकालेंगे, यही ना पैसा हुआ, और उसको कितना में बेचा होगा ये बताओ, सेलिंग प्राइस बता दो, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं एसपी, जैसे कि देखो नहीं समझा, देखो ये हो गया क्या तुम्हारा, एमआरपी लिखा है, 20% छूट है, 20% छूट है ना, तो अब देखो यहाँ पर करना क्या, ये 1500 लिख लेना, 1500 मल्टीपल, यहाँ तो पक्का 100 आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि हम 100 अब अंकित मूल्य मानेंगे, अब कट का वो ले रहा है 70% ना, यही 20 80 है ना, 80 यहाँ लिखना है, नहीं समझा, ये हो गया एस पी, सिर्फ पूछता क्या कट का कितना रुपया छोड़ा, कट का तो 20% ना छोड़ रहा है, तो इतना में से 1500 में से कट का छोड़ रहा है, ये वाला टोटल वाला हमेशा इससे डिवाइड कर देना, ये पता कर रहा हूँ कि ये है कौन सा प्राइस और किससे डिवाइड करना है, समझ गया, और यहाँ पर क्या लिखना है, 20 तक लिखना है, तो इससे क्या होगा कि कट का तुम्हारा पैसा छूटा है, मतलब 100 से 100 कट गया, 300 रुपये का तुमको छोड़ दिया होगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कितना छोड़ा उसने, 300 रुपया
सेलिंग प्राइस बताइए तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो निकल जाएगा ना, तीस का छूटा तो कितना होना चाहिए, 1200 का होना चाहिए। अब देखो यहाँ से 1200 निकल कर आएगा, देखो 20 कट गया, 15 और 120 आया तो सेलिंग प्राइस 1200। क्या सीखा था, जब भी सेलिंग प्राइस निकाल लिया ना कट का छोड़ा उसको छोड़ देना, वो तो छोड़ ही दिया ना, वो ले रहा है कितना इस पे करना है कैलकुलेट। तो दिक्कत यहाँ था इसको उतारो, ऐसे ही पहले दो चार क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाते जाओ तब हम क्वेश्चन लिख कर दे देंगे, समझ गया। पहले कॉन्सेप्ट बनाकर सीख लो पहले कैसे करना है, पहले उतारते जाओ इसको। चल देखो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया क्या होता है छूट। हाँ छूट, तो छूट के लिए एक फॉर्मूला भी लिख लो तुम लोग, तो क्या हो जाएगा कि जो जो डिस्काउंट है ना, ये छूट है ना, इस कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अब समझ में आया कोई दिक्कत, ये छूट बराबर क्या हो जाएगा बता दो, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये बात याद रखना है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलो मान लो क्या देखो एक जींस है, क्या एक जींस है, फिर अब इस पे क्या लगा रहता है, एक स्टिकर लगा है, हाँ क्या लगा है, स्टिकर लगा है, बोल रहा है क्या यहाँ MRP कितना है, वो तो मिस है, मिसिंग है, समझ गया, पता नहीं चल रहा कि कट का है एकदम, हाँ लेकिन दुकानदार बोला कि हम इस पे 30% का छूट देंगे, हाँ 30% का क्या दे देंगे तुमको, छूट दे देंगे, लेकिन फिर भी तुमको ना 1250 का देना होगा, पैसा कितना देना होगा, तो ये पैसा क्या है दुकानदार के लिए, सेलिंग प्राइस हो गया। अरे हुआ क्यों, दुकानदार के लिए इतना में तुमको बेचेगा वो दुकानदार ना, ये सेलिंग प्राइस हो गया इसका, क्या हो गया ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया, माइंड में सेट हो रहा क्या है कि कोई जींस है उसका कितना MRP है ना, वो तो मिस है, MRP पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि हम तो छूट कितना दे देंगे, 30% का छूट दे देंगे, समझ गया, 30% का छूट दे देंगे, तो फिर भी आपको उतना पैसा देना होगा। तो कहने का मतलब देखो कैसे बनेगा, तो MRP लिख लेना यहाँ पर, देखो MRP लिख दिया, मल्टीप्लाई लिखना, तो लिखा 30% छोड़िए दिया, तो ले रहा है ऊपर का 70% जब तक ये नहीं लिया, 70 लिखेंगे बटा 100 कर लेंगे, अब बराबर तब इसी का 70% लिया होगा ना, तब जाकर 1250 का हुआ होगा, करना क्या है क्रॉस गुणा कर देना, 100 हो जाएगा MRP, कोई दिक्कत आता है, तो MRP निकालना हो तो क्या करना है, MRP निकालना है तो इस पर 100 से गुणा कर दो, ये ना, या तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकता है, 7 से कटा दो, चलो 10 खत्म हो गया, और यहाँ पर ना मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ गए और बटा 7 कर दो और 7 से भाग दे देना, समझ गया, तो देख लो कितना आंसर होता है, देखो 7 से भाग देगा 7 बचेगा कितना, 5 बचेगा और 5 बचा ना, 55 हो गया, तो 49 बचा कितना, 6 बच गया और 8 से 56 40 हो गया, 7 से 35 कितना रुपया उसको इसका MRP होगा, करने का 1785 रुपया, यहाँ पर कितना होगा 1785 रुपया, कितना लिख सकता है इसका MRP होगा, तब जाकर 30% का छूट दिया, इतना टका हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो यहीं से सब कुछ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आता, हाँ तो कितना ले रहा है पैसा, 30% छोड़िए दिया, 30% छोड़ दिया तो कितना लिया तुम्हारा, 70, तो यही यहाँ पर 70% इसका निकालेगा कितना पैसा लिया है, क्योंकि यह छोड़ दिया तो इसको कैलकुलेट क्यों करना,
नहीं समझा, कोई दिक्कत यहाँ था। अब जब भी कपड़ा उपड़ा लेने जाना तो ऐसे ही कैलकुलेट करना। मान लो क्या 2000 कपड़ा का दाम लिखा हुआ है, बोल रहा है 10% छोड़ देंगे, 20% छोड़ देंगे, 20% वो छोड़ दिया तो ले रहा है कट का, 80 का ले रहा है ना। तो करना क्या, 2000 दाम था, 2000 ऐसे करके लिख लेना मल्टीप्लाई, अब 80/100 करना, समझा। अब इसको कटा दो, देखो दो खत्म हो गया, बता कितना, 1600 रुपया वो ले रहा है। अरे कोई दिक्कत, समझ में आया। ऐसे ही किया जाता है, बोलेगा सर हम ऐसे नहीं करेंगे, एक और तरीका होता है, 2000 रुपया दाम है, कट का छोड़ा है 20%, तो 20% अभी ये छोड़ा हुआ पैसा निकलेगा, ये कितना छोड़ रहा है पैसा वो निकलेगा। और देखो 0 0 कितना हो गया, 400 रुपया छोड़ा है, दाम था कितना, 2000 दाम था, 400 छोड़ा, 1600, तो थोड़ा सा इसमें तभी और दो स्टेप जाना पड़ता है, इसमें एक ही स्टेप में बन जाता है, समझ गया। तो इसलिए ये वाला बेटर है, ठीक, क्योंकि यहाँ से ना अभी और एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आगे, इसलिए इसी को इंट्रोड्यूस किए हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया नहीं, उतार लो फटाफट इसको, वैसे है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिख कर देते हैं, हाँ चलो उतारो इसको फटाफट, देखो समझो क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल का, हाँ देख क्या है, यदि किसी बिजली के बिल में 70% छोड़ दिया तो बोल रहा है क्या अभी भी कितना भुगतान करना पड़ेगा उसको, 25% का, मतलब 27% छोड़ने के बाद भी उसको कितना देना पड़ रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, कि पहले शुरू में कितना था, शुरुआती मूल्य, यानी कि क्या बोलते हैं MRP बोलते हैं, हाँ मल्टीप्लाई, अब छूट दे ये दिया तो कितना परसेंट छोड़ा है, 27% छोड़ दिया तो वो लेगा कितना, 73%, तो 73/100 कर लेना, और इक्वल टू कितना हो गया, 1825 रुपया उसको देना होगा। अभी भी इस कॉन्सेप्ट से बनेगा, इसको कटाएगा ना, कितना बार में कट जाएगा ये, 25 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर MRP लेकिन शुरुआती जो मूल था ना 2500 रुपया हो जाएगा आंसर, है ना, आसान सवाल है ना, आसान। तो ऐसे करके बनाना है, करने का मतलब शुरू का प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा 2500, ये MRP बोलते हैं, शुरू में कितना दाम था उसका, हाँ तो ये पिछला साल का क्वेश्चन है, बनाना इसको, चल बता लो फटाफट। चलो अब हम लोग डिस्काउंट पर एक अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं लगातार छूट देगा तुमको, दो बार छूट देगा, तीन बार छूट देगा, दो बार सीखो, तीन वाला मत सीखना, ठीक। देखो लगातार छूट, लगातार छूट ये है, ठीक, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, दो बार तुमको छूट दे देगा। क्वेश्चन क्या है कि बोल देगा क्या, एक वस्तु पर 10% तथा 15% का दो कर्मागत छूट हो तो एकल छूट बताओ, एकल छूट होगा, मतलब टोटल कितना छूट हो गया तुमको बताओ, यही तो बताना है। तो सब कुछ बोलेगा क्या, इसको जोड़ देगा, 10% पहले छूट दिया, फिर से 15% दिया, तो टोटल कितना हो गया, 25%, यही करेगा, जो कि ऐसे करना भी नहीं। उसके लिए देखो होता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, देख समझ लो, एक हम लोगों का तरीका लिख देते हैं, ध्यान रखना, यदि दो क्रमांक छूट हो, यानी कि 1% तथा 2% क्रमागत छूट हो, तो जो एकल नेट जो छूट होता है ना, नेट छूट, नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो, x+y - x × y/100 कर लेना, नेट छूट करने के लिए, समझ में आया। तो देखो नेट छूट पता करने के लिए क्या करना, नेट डिस्काउंट पता करने के लिए दोनों को जोड़ दो पहले, कितना हो गया, 25 माइनस देना, डिस्काउंट हो रहा है ना माइनस, अभी दोनों का गुना करना है, 15 × 10 हो जाएगा और 100 कटा दो, अब यहां से कटाएगा तीन बार में, इसको दो बार में, अब यहां पर हो जाएगा कितना, देखो 25 माइनस, इसको डिवाइड करेगा 1.5, अब 1.5 इसमें माइनस कर देना होगा, तो कितना हो गया,
ये हो गया नेट डिस्काउंट, इतना प्रतिशत का। अब समझ में आया क्या है तरीका डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट का कहानी कर पाएगा? हाँ जल्दी उतारो इसको, यही है सक्सेसिव डिस्काउंट। इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है तुम्हारा, दो देकर दो कर मांगा छूट इतना इतना है, तो बताइए इसका क्या एकल छूट बताइए, ऐसे करके बनाना भी पड़ेगा ये। हाँ जल्दी बताओ, तो देखो क्वेश्चन समझो क्या, एक वस्तु पर 10% तथा फिर से 10% दो बार छूट दिया, तो नेट छूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो क्या करना है, दोनों पर जोड़ दो, फिर 10 × 10 कर दो, बटा 100 कर दो, दोनों कट गया, एक बचा 10 × 10 = 20 − 1 = 19%, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेट डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना है, फिर से देख लो, 20% कर दो, वो है ना छूट, तो क्या करना है 20 + 20 − 20 × 100 कर दो, इसको कटा दो, जोड़ेगा तो कितना हो गया 40 − 4 = 36% का नेट डिस्काउंट हुआ, कितना प्रतिशत का 36% है। क्या ये समझ में आया, नेट डिस्काउंट निकालने सीख गया? हाँ चलो ये तो अच्छा वाला था तो बना दिया, अब देते हैं ना क्वेश्चन, देखते हैं कौन बना पाता है, उतार लो इसको फटाफट, समझना यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं, ठीक भाई क्या देख यहाँ पर ना, पहले ये क्वेश्चन जो है ना इसको छोड़ देते पहले, ठीक अब समझो यहाँ पर तुमको दो का बीच में लड़ाई कराना है, एक तो छूट क्या होता है सर ये, और एक लाभ हानि में तुमको थोड़ा सा क्या करते हैं कहानी बताते हानि वाला में, ठीक देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, दे देगा क्या 20% का लाभ या हानि पूछेगा, या लाभ या हानि वाला कॉन्सेप्ट, यही चीज यहाँ पर तुमको 20% का दे देगा छूट वाला में, ठीक। क्या इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाने जानता था तुम लोग, फ्रैक्शन वैल्यू बनाने जानता था तो बता दो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता था, 1/5 यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1/5 होगा, यहाँ का जो 5 है ये क्या रेशियो, कौन सा रेशियो बतलाएगा, ये सीपी बतलाएगा, लेकिन यहाँ का जो छोट वाला का जो ये नीचे वाला ये क्या दिखाएगा, MRP दिखाएगा, अरे कोई दिक्कत, ये वाला जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दोनों दिखा सकता है, यदि 20% का हानि है तो ये हानि बताएगा, 20% का लाभ है तो ये लाभ बतलाएगा, अरे कोई दिक्कत, तो लाभ जैसे लाभ कंडीशन में जिसको बोलते हैं लाभ, प्रॉफिट का कंडीशन में ये कितना रेशियो बन जाएगा, प्रॉफिट जब होगा ना प्रॉफिट का कंडीशन में हमको यदि सेलिंग प्राइस निकालना है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ना पड़ता है, हाँ यदि हानि का स्थिति हो, हानि का स्थिति में यदि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो 4 हो जाता है, और ये हो गया प्रॉफिट लॉस में कहानी, हुआ ना। अब इसमें देखो क्या होता है, ये MRP हो गया, नीचे वाला MRP होता है, इसको क्या बोलते हैं डिस्काउंट, इसको क्या बोलेंगे डिस्काउंट बोलेंगे, डिस्काउंट हो गया ये, ठीक ये डिस्काउंट हो गया। अब इसको डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, नंबर कम होना घटना, जैसे हानि होता था ना सिर्फ डिस्काउंट में आता है, लेकिन यहाँ MRP, अब ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस का, जो सेलिंग प्राइस है ना कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं आता है, ये समझ में आ रहा है, हाँ तो रेशियो बनाने सीखा, रेशियो बनाने सीख रहा है कि कैसे करके इसको फ्रैक्शन में लाना है, हाँ तो यहाँ से हमेशा तुमको देखो एक और यहाँ पर बता दे, मान लो क्या यहाँ 30% का छूट दे दिया, इसको कैसे लिखेगा बड़ा फटाफट, 3/10 अब यहाँ पर किसका किसका MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनेगा, MRP 10 तो सेलिंग प्राइस 3 × 7 आएगा, अरे 3 घटाना पड़ता है ना, ये तो छूट हुआ ना, 3 घटाने के बाद यहाँ 7 आएगा, क्या ये समझ में आ रहा है, इसको उतारना है क्या, हाँ ये समझ गए, चलो तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देते देख, समझना क्वेश्चन रहता है क्या कि 12.5% का छूट, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो 12.5% तो समझता है ना, क्या होता है 1/8, तो फटाफट से रेशियो बना दो, 8 MRP 8, तो 1% का छूट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7 आ गया, अरे कोई दिक्कत, समझ में आया, ये एक नंबर का कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा नंबर में दे देगा जैसे 33.33% का छूट, फटाफट से बताओ तो क्या करेगा, MRP अलग से बना दो, MRP और सेलिंग प्राइस अलग से बनाओ, इसका होता है 1/3 होता है, MRP 3 घटा दो तो 2 हो जाएगा, क्या ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, हाँ इन दोनों को उतारो फटाफट, कैसे रेशियो बनाना है उतारो फटाफट।
क्योंकि हमेशा तुमको अच्छा वाला परसेंटेज तो मिलने वाला नहीं, कभी कभी बुरी परसेंटेज भी मिलता है, जो खराब परसेंटेज होता है, जो खराब परसेंटेज है ना, 10+10+10 तो आसानी से ऐड कर लेते थे, जब ये वाला हो गया तो थोड़ा सा रुक जाना, अलग कॉन्सेप्ट से बनेगा, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट बनेगा। एक क्वेश्चन तुमको लोग को मिलेगा, देखो क्या है कि एक वस्तु पर 12.5% का और फिर से 12.5% का दो बार तुमको छूट देगा, तो एकल छूट बताना। तो 12.5% का एक बार मिला ना, तो 12.5% का छूट बोलो कितना हो जाएगा, 1/8। तो पहले था 8 था ना, तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7। फिर से दो बार दोबारा इसे ही मिला, फिर से यहाँ 8 लिखना, फिर से 7 लिखना, ये सक्सेसिव हुआ ना। तो अब देखो समझो, एक ही वस्तु है, एक ही बॉल है, इसी पर तुमको दो बार छूट, एक बार यहाँ छूट दिया, फिर से एक बार छूट दिया, दोबारा छूट हो गया ना, इसलिए एक ही वस्तु पर जब भी तुमको छूट दे रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह होगा। क्या ये बात समझ में आया, तो दिक्कत नहीं आता, जब एक ही वस्तु पर जितना बार तुमको छूट देगा, सब में गुणा लगाते जाओ, गुणा लगाते जाना है, तो कर दो अब गुणा, तो गुणा कर देगा तो इसको कितना हो जाएगा, ये MRP निकल कर आ जाएगा ना, MRP और यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, तो बता दो कितना हो जाएगा, लाइन ऑफ कन्वर्जन भी होगा 64/49। अब कितना का छूट मिला तुमको, 14 घटाना है ना, तो 15 का छूट मिला, तो यहाँ पर छूट का प्रतिशत निकालो 15। अब यहाँ हो गया इतना दूर पहले याद रखने में 15 का छूट हो गया। अब वहाँ पर क्वेश्चन रहता है क्या, इतना सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस का रेशियो, ये हो गया MRP का रेशियो और ये हो गया डिस्काउंट का रेशियो। अब यहाँ से कट का छूट हुआ, कट का ये हुआ, निकाल सकता है ना ये, क्या ये रेशियो समझ रहा है यार, हाँ बोल रहा है कि नेट हमको छूट बताइए, तो करना क्या है, नेट छूट निकालने के लिए, नेट छूट निकालना है ना, तो 15/ अब कितना करना होगा, MRP नीचे ना, तो 64 × 100 कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो देखो कैसे कर रहे हो, इसको तो डिवाइड करके सॉल्व करके डिवाइड कर लेना, देखना आंसर कितना आ रहा है, समझ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं समझा, या तो फिर कर लो ना, 4 से भाग ले लो इसको, 25 बार में 4 से इसको दे देगा 16 बार में, इसको कौन कर दो 75 गुण कर दो, पर कितना हो गया 375 आ रहा है, 325। एक बार गुणा कर लो, देखो 25 × 5 700 होता है ना, 5 × 12 और 25 × 5 25 × 12 375 और 16 × 2 एक बार में नहीं खा रहा है 0, यहाँ पर 15 इतना 25 नेट छूट हो गया। क्या ये समझ में आए, पहले ये रेशियो निकालने सीखा, हाँ तो रेशियो से निकालना, नेट छूट निकालना चाहिए वाला लिख लेना, ऐसे करके सॉल्व करना है, क्या ये बात समझ में आ रहा है इसमें, एक और लो सब समझ में आ जाएगा, उतारो कर ले फटाफट, देखो क्वेश्चन क्या समझ रहा, क्वेश्चन देखो क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 20,000, दो बार छूट दिया 30% का छूट और 20% का, तो लगातार छूट दे रहा है ना, जब हम क्या अभी क्या बताए, जब भी लगातार छूट दे गुना करना है, तो अंकित मूल्य पहले है कितना 20,000 है, अब मल्टीप्लाई करो, पहले एक छूट लगा था तो कैसे निकाल था, छोड़िए दिया तो उसका प्राइस लिखना था क्या, नहीं तो कितना लिखेंगे इसमें 70/100 फिर से आया तो फिर गुना कर दो, कितना करेगा 80/100 बस सॉल्व कर दो आंसर, फिनिश, 2020 खत्म हुआ, गुणा कर दो, यहाँ पर हो गया 56, यहाँ 2 बचा ना, 8 × 56 और यहाँ पर 00 हो गया, और यहाँ पर गुणा कर दो 12 × 10 = 11 कितना हो गया, तो दिक्कत नहीं था, ये हो गया 11,200 रुपया, अभी भी उसको पैसा देना होगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, नहीं समझा, पर अंकित मूल दिया है, दो करमा छूट देगा ना, तो तुमको दो बार मतलब 30% छोड़ दिया तो 70 लेगा पैसा, 70/100 फिर से छोड़ा, फिर से यहाँ पर फिर से छोड़ेगा तो फिर से गुना, फिर से छोड़ा तो फिर से, ऐसे करके चलते चलना है, क्या ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, उतारो फटाफट, चलो नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस करो तुम लोग खूब, देख लो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना इस बार दिया 50,000 लिख लेना है ना, कितना कितना छूट दिया
दस पचास छोड़ दिया, कितना लेगा पैसा? नब्बे, तो नब्बे बटा सौ, फिर गुना अस्सी बटा एक सौ, है ना? सौ रुपये, चार जीरो यहाँ का, चार जीरो गया यहाँ का, खत्म हो गया। अब गुना करो इसी बात, कितना हो गया? देखो पाँच गुना बहत्तर सौ, अब गुना करो पाँच दो नहीं दस, फिर सुनना कैरी वन, पैंतीस और एक छत्तीस, डबल जीरो लगा दो, करने का मतलब छत्तीस हज़ार रुपया दाम होगा। अरे कितना हो जाएगा कीमत? क्या किया समझ में आए? अभी भी समझ आना होगा, ये समझ गया ना? चलो उतार लो पहले क्वेश्चन, उतारो। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो क्या है, समझना है इसको। देख, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? पचास हज़ार रुपये। दो क्रमांक छूट देने के बाद कीमत कितना रह जाता है? दो क्रमांक छूट दिया है, अभी भी छत्तीस हज़ार रुपया, पहला छूट दे दिया, दूसरा छूट पता करना। ठीक, अभी जो प्रैक्टिस कर रहा था क्वेश्चन, क्या ये वाला बनाया? देखो अभी दाम कितना है उसका, प्रॉपर बताओ, पचास हजार दाम है। हाँ, अब दो क्रमागत छूट देना था उसको, तो दो क्रमागत छूट देता तो कितना, पहले कितना छूट दिया? बीस प्रतिशत छूट दिया, बता कितना है उसका? अस्सी बटा सौ, हाँ, मल्टीप्लाई। दूसरा छूट पता नहीं है, मान लो क्या दूसरा छूट एक्स प्रतिशत देता तो अब कैसे लिखता है? एक सौ माइनस एक्स लिखते, अरे लिखते कि नहीं? अरे यहाँ बीस प्रतिशत छूट था तो कहाँ से घटाता था? एक सौ माइनस बीस करता था ना, अब यहाँ पर हम बोल देंगे एक्स प्रतिशत का छूट देगा, एक सौ माइनस एक्स करेंगे। समझ चलो, तो बताइए एक सौ कर लेंगे। अब छूट वूट दे करके अभी भी पैसा उसका कितना बच रहा है? कितना होगा? छत्तीस हजार। बस इसको सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा, दिक्कत? चार जीरो, चार जीरो खत्म, अरे कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ पर देखो ऐसे करके गुना, तुम वहाँ पर ये वाला यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिखा। ठीक, अब डायरेक्ट तुम उधर गुना कर कटा सकते हो। देखो एक जीरो, एक जीरो खत्म हो गया। अब आठ से तुम वहाँ पर भाग दे, क्या कर दो, आठ से भाग दो, या तो बोलेगा हाँ आठ से भाग दे सकता है तो आसान बात है। और तो कितना हो गया? देखो आठ इंटू, इसको ऐसे कर लिख सकता है, देखो एक सौ माइनस एक्स हो गया बराबर, वहाँ पर भाग दे दो छत्तीस सौ बटा पाँच बचा हुआ ना, तो अपन से चालीस गुना क्या कर देंगे, एक सौ माइनस एक्स बराबर छत्तीस सौ हो गया ये, फिर एक जीरो, और फिर एक बार नब्बे बार में गया ना, तो बचा कितना है? कितना बचा है? एक सौ माइनस एक्स बराबर नब्बे, अब इसको इधर कर दो, एक्स बराबर इधर कर दो, एक सौ पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक सौ माइनस नब्बे बराबर एक्स घटाएगा कितना हो जाएगा? दस प्रतिशत आया, दस आया एक्स, तो जो तुम माना था ना, तो एक्स परसेंट माना था, समझ गया? तो हो गया कितना, दस प्रतिशत, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसको जो है ना एक्स बराबर कितना आ जाएगा? दस, दस प्रतिशत आंसर आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ही कर पाए? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो उसी पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लो बना, उतार लो इसको क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो क्या, फिर से एक वही बोला सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन एक बार देख लो। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? बत्तीस हज़ार रुपया है। दो क्रमांक छूट देने के बाद कितना हो जाता है? चौबीस सौ अड़तालीस रुपया हो जाता है। पहला छूट दस प्रतिशत है, दूसरा छूट बचन है, मान लेते दूसरा छूट क्या इतना मान लेंगे, एक्स प्रतिशत का छूट हुआ होगा, तो फटाफट बनाते थे, अंकित मूल्य कितना है? बत्तीस हज़ार। दो क्रमांक का छूट फटाफट देते जाओ, दस प्रतिशत है तो नब्बे बटा एक सौ, फिर इसको कैसे करेगा, एक सौ माइनस एक्स करके बटा एक सौ कर लेना, तो बराबर कितना हो जाएगा, कट का पैसा अभी भी हो रहा है, कोई दिक्कत? ये वाला समझा? सॉल्व कर लो, कटाओ, देखो दो जीरो, दो जीरो खत्म हुआ, एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ से, खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं? अब क्या कर सकता है तुम, इसको डिवाइड करके कटा सकते हैं। देखो अब नौ से ये कटेगा कि नहीं कैसे पता चलता है, जोड़ कर देखो, आठ आठ सोलह और दो अठारह, नौ से पक्का पक्की कट जाता है वो। ठीक, नौ से कटा दो इसको, देखो नौ से कटा, तो कैसे बाद में कट रहा है, नौ दूना बोलो अठारह छः, नौ सत्ते तिरसठ, नौ दूना अठारह, कट गया ये, कटा के नहीं? अब क्या करना है इसको, बचा क्या है बताओ, यहाँ पर एक बार लिख लो पहले, ओवरऑल बत्तीस बचा गुना एक सौ माइनस एक्स बटा दस बचा हुआ है ना,
दस को उधर गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, दो सात दो जीरो होगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब क्या करना है, इसको यहाँ पर कट ऑफ अठारह आठ से भाग दे दो, आठ से भाग देगा कितना हो जाएगा, आठ चौक और आठ से यहाँ पर भाग दे दो, आठ सिया बोलो चौबीस, चौबीस हो गया तीन बचा आठ चौक जीरो, और फिर चार से इसको कटा दो, कितने बार में चार से कटाएगा तो आठ चौक बत्तीस, पचास से बार में कट गया ना, तो बचा कितना है, एक सौ माइनस एक्स बराबर पचासी, और इसको सॉल्व करेगा कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा पंद्रह, एक्स बराबर पंद्रह प्रतिशत, कहाँ है डी नंबर ऑप्शन है ना, पंद्रह प्रतिशत में टिक कर देना। क्या ये समझ में आए, कितना सिंपल सवाल था, दो क्वेश्चन इस तरह का बता दिए, क्या ये समझ में आ गया इस कॉन्सेप्ट का। चलो ठीक है।